रामनगर बेतिया जिला का एक ऐसा शहर जहाँ का इतिहास बिहार के पन्नों पर दर्ज है, जिसे हरिनगर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ स्वयं महादेव बसते हैं, जिस शहर के नाम में राम और हरि है, जहाँ रामरेखा जैसी नदी बहती है। तो भैया हमारे चैनल पे एक रिवाज चलता है, सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम उदय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टूर व्हील्स। और आज हम लोग रामनगर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी हम लोग हैं रामरेखा नदी के पास। काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे सफाई हो रही है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कि ये जो आप नदी देख रहे हैं रामरेखा नदी, इसके ठीक ऊपर से ये नहर गुजरता है और नहर के ठीक नीचे से ये नदी गुजरता है। तो कुछ ऐसा है हमारा रामनगर, बिहार का सबसे बड़ा शुगर मिल फैक्ट्री हमारे रामनगर में है। इस मंदिर की नींव 1869 में रामनगर राज के सेन वंश के राजा ने रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को जिसने बनाया उसका हाथ कटवा दिया गया था और वहीं बाद में अपने एक हाथ से हावड़ा पुल बनाया था। इस मंदिर में सावन के हर सोमवार व शुक्रवार को बड़ी संख्या में त्रिवेणी के पवित्र संगम से पैदल जल लेकर आने वाले कंवरिया श्रद्धालु करते हैं। बिहार तो छोड़ो, यूपी और नेपाल में भी इस मंदिर का बड़ा महत्व है। अगर भोले के दर्शन करना है तो आप सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में आइए या फिर आप शाम को 4 बजे के बाद आ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, इसका भी बहुत बड़ा मान्यता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैला दो जितना हो सके उतना फैला दो, ठीक है। और मिलते हैं किसी तड़कते भड़कते ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।